असलम दिस इज़ मी मन मैंने जो है बहुत सारे जो चैनल हैं उनका जो है विज़िट किया उनको जो है मैंने चेक किया और जितने भी जो जित थे काफ़ी बड़े बड़े जो चैनल्स थे ठीक है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी चाहे वो टैक्स से रिलेटेड थे या फिर वो कोई ब्लॉगिंग से रिलेटेड थे या फिर गेमिंग से रिलेटेड थे या फिर किसी भी फ़न से रिलेटेड थे मींस के अगर कोई भी चैनल आर्ट या क्राफ्ट से भी रिलेटेड था ना मैंने सभी चैनल्स को जो है चेक किया है और उनको चेक करने के बाद जो है मैं इस रिज़ल्ट के ऊपर पहुंची हूं कि वो जितने भी जो चैनल हैं है, है ना वो अपनी जो है सिर्फ़ एक वीडियो से जो है वायरल हुए हैं और उनकी एक वीडियो के जो है सक्सेसफुल होने से वायरल होने से जो है उनका जो चैनल है वो बूस्ट कर गया है यानी कि फिर उनके जो हर वीडियो है उसके ऊपर जो थे व्यूज़ वो जो है अच्छे आना स्टार्ट हो गए हैं मीन्स के अब वो टाइम जो है नहीं रहा है YouTube के ऊपर के जब जो था आप यूट्यूब के ऊपर जो था बहुत ज़्यादा अपलोडिंग करते थे यानी कि वीडियोज़ की तो जो यूट्यूब था आपका जो चैनल था वो प्रमोट कर देता था अब जो है कम्पिटिशन बहुत ज़्यादा आ चुका है चूँकि बहुत ज़्यादा कम्पिटिशन होने की वजह से जो है अब जो है रेगुलर होने के साथ साथ और ज़्यादा अपलोडिंग के साथ साथ आपकी जो वीडियो है उसके अंदर जो है उसका आपकी जो वीडियो है उसका जो है दमदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मीन्स कि आपको जो है अपनी वीडियो के एडिटिंग के ऊपर भी जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा देखें एक ऐसी वीडियो यानी कि सेम कैटेगरी की यानी कि दो वीडियो हो लेकिन एक वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी और दूसरी वीडियो जो है वो थोड़ी सी लो हो तो आप खुद सोचें कि ऑडियंस जो है वो लो यानी कि स्टैंडर्ड्स की जो वीडियो होगी उसको देखना क्यों आज करेगी और जबकि उस वीडियो में जो है कुछ ख़ास यानी कि कुछ भी ऐसी ख़ास बात ना की जा रही हो कुछ भी ऐसा खास जो है बताया ना जा रहा हो तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप भी जो है अपना जो चैन है उसको बूस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है बहुत ज्यादा अपलोडिंग नहीं सिर्फ एक ऐसी अच्छी वीडियो बना ले टाइम लगा के यानी कि जिससे जो है आप अपने चैनल के ऊपर चैनल को जो है बूस्ट कर सकें तो हम बात करेंगे अपनी वीडियो में कैसे जो है आप एक अच्छा कॉन्टेंट जो है उसको क्रिएट करके अपनी वीडियो के ऊपर जो है अच्छी एडिटिंग करके आप जो है अपनी उस वीडियो को वायरल करके जो है अपना जो चैनल है उसको जो है बूस्ट आप दे सकते हैं क्योंकि देखें आपने जो है अच्छी वीडियो तो बनानी ही है ठीक है यानी कि लेकिन उसके साथ साथ जो है आपने अपनी वीडियोस के अंदर सिर्फ वही बात करनी है जो कि आपके

सोर्सेज हैं उसका यूज करके आपने जो है अपना जो टॉपिक है उसका जो स्क्रिप्ट है उसको रेडी कर लेना है देखिए अब आपके पास टॉपिक आ गया आपका एक काम जो था वो सॉर्ट आउट हो गया है अब आपने स्क्रिप्ट उसका कैसे लिखना है आपने अपने जो यानी कि स्क्रिप्ट है उसको जो है फोर पोर्शन में जो है डिवाइडेड कर देना है मीन्स के जो सबसे फर्स्ट आपका पोर्शन है ना इंट्रो का आपने कोशिश करना है कि उसको जो है आप एक बिल्कुल ही जबरदस्त और धमाकेदार सा जो है उसको आप क्रिएट करें ताकि जो आपकी ऑडियंस है उसको आपकी बात समझ भी आप

ऐसा ना हो कि ऑडियंस आपके जो वीडियो है आपके इंटरव्यू की वजह से वन मिनट तो देख ले लेकिन आगे जो है वो बिल्कुल भी आपकी यानी कि वीडियो के ऊपर स्टे ना करे क्योंकि उसमें कोई भी काम की चीज़ उनको बताई ना जा रही हो अगर आप अगले भी टू मिनट्स जो है ऑडियंस को अपनी वीडियो के ऊपर जो है आप स्टे करवा लेते हैं तो इट्स मीन जबरदस्त मीन्स की अब आपकी वीडियो के जो है रैंकिंग के जो चांसेस हैं वो यानी कि अप टू थर्टी टू फोर्टी परसेंट कवर हो चुके हैं ठीक है जब आप अगर फाइव मिनट की वीडियो जो है रेडी कर रहे हैं जो लास्ट के यानी कि वन यानी कि वन थर्टी यानी कि उसके सेकंड होंगे ना वन मिनट और थर्टी सेकंड आपने उसमें जो है अपनी वीडियो से रिलेटेड आपने जो स्टार्ट में कमिटमेंट की थी उसको जो है उसमें कंप्लीट कर देना है ऐसे जो है आपकी जो वीडियो है उसके ऊपर जो है ऑडियंस का स्टे भी रहेगा आपकी जो है ऑडियंस को जो है आप होल्ड करके भी रखेंगे और आपका जो वॉच टाइम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और आपका जो है यानी कि सी टी आर तो इम्प्रूव होगा ही लेकिन आपकी जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है उस वीडियो की वो भी जो है इम्प्रूव हो जाएगी और सेकंड बात ये थर्ड बात ये है कि आपने जो है गैर जरूरी बातों से जो है अपनी वीडियो में परहेज़ करना है सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही बात करनी है देखिए अच्छा स्क्रिप्ट राइटर कौन हो सकता है देखिए हम कोई भी जो है पताशी स्क्रिप्ट राइटर तो खैर नहीं होते हैं लेकिन अगर आप अपनी वीडियो को जो है बार बार जो है किसी और मोबाइल से रीवाच करके अपनी खुद की बनाई हुई वीडियो और स्क्रिप्ट को यानी कि देखते हैं या फिर आप अपनी वीडियो को देखें तो आपको उसमें अपने जो है फॉल्ट्स नज़र आते हैं अगर आप अपने उन फॉल्ट्स के ऊपर जो है वर्क कर लेते हैं तो इट्स मीन कि आप जो है एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं आपको जो है अपनी मिस्टेक्स खुद मिलना स्टार्ट हो सकती है और आप अपनी वीडियो के लिए जो है एक अच्छा स्क्रिप्ट तैयार करके अपनी जो है एक वायरल वीडियो जरूर बना सकते हैं और अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरा चैनल से रिलेटेड जो है आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा मुझे दीजिए दीजिएगा इजाजत मिलती हूँ आप लोगों के साथ किसी भी न्यू इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ लेने के बाद